Hi guys, welcome back to my channel, Shaista's vlog. अरे भैया मैं जींस ढूंढ के दे रही हूँ यार, एक ही पतियों को. वैसे तो मेरा पति बहुत सॉर्टेड है, हर चीज अपने आप खुद रखना है. जब मेरे कमरे तक पहुंची जींस, तुम कैसे सॉर्टेड? मैं देख लेती हूँ ना कहाँ प्रेस करके रखी है. आप अपनी जींस अपने कपड़े निकालो, मुझे देखो. मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बस मेरा हाफ मेकअप पेंडिंग है. माशन आ चुके हैं. कोई भी अच्छी कलर की डाल लो, लाइट कलर की डाल लो. सो मैं निकल रही हूँ मम्मी के घर. मैं मयंक और माशन. हाँ, मेरी मनी पर जिगल जिगल करती है बहुत. तो आज बहुत स्पेशल डे है. आज फहीम के रिश्ते वाले आ रहे हैं. फाइनली वो दिन आ गया है. हमारे घर में सिर्फ एक ही कुंवारा था, जो था फहीम, मेरा छोटा भाई. मायके की साइड में बता रही हूँ. ससुराल में अभी कामाक्षी बाकी है, उसकी भी शादी जल्दी ही आ जाएगी. तो फहीम के फाइनली, हम लोग काफ़ी टाइम से उसका रिश्ता देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं. ठीक है, तो अब हमने सोचा कि फहीम की शादी करने का सही टाइम आ चुका है. तो काफ़ी रिश्ते देखे, फाइनली जाके एक रिश्ता समझ आया है. तो आज लड़की वाले घर आ रहे हैं. लड़की नहीं आ रही है, जी हाँ, लड़की नहीं है. फहीम मुझसे छोटा है, ठीक है, मैं बता दूँ. फहीम मुझसे छोटा है, तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ. फहीम कौन है? तो अगर आप में से कोई नहीं जानता, फहीम मेरा भाई है, जिस मैंने बताया, और उसका चैनल है फहीम जोन. तो ज़रूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके चैनल का लिंक दे दूँ, क्योंकि अब आपको काफ़ी सारी कॉन्टेंट उसके चैनल पर भी देखने को मिलेगी. तो हम फहीम, मैं निकल रही हूँ घर. मैं रेडी हो रही है, मैं रेडी होने जा रही हूँ. मायशा भी तैयार हो चुकी है. अभी हमें बैंक सबसे पहले जाना है, कुछ कैश निकालना है, उसके बाद हम फिर घर निकलेंगे. तो जो रेडी होने का प्रोसेस है, बहुत सिंपल है. आई एम वेयरिंग दिस सिंपल सा कुर्ता जस्ट बिकॉज मैं घर जा रही हूँ, एंड मैं बहुत गर्मी के टाइम पे बहुत कुछ नहीं पहनना चाहती थी. सो आई एम रेडी. मैंने बेस में सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया है, लूज पाउडर नॉट कॉम्पैक्ट, और मेरा बेस रेडी है. लाइक लुक एट द हाइलाइटर, ओ माई गॉड, जस्ट लव्ड इट. और थोड़ी सी क्रीमी लिपस्टिक एंड वेरी सिंपल सा मेकअप, क्योंकि बहुत गर्मी है. एंड मैंने कोई स्वेट प्रूफ मेकअप भी नहीं किया. यहाँ पे शायद मुझे पहली बार यहाँ मिली थी, एग्जैक्ट जहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी है, एग्जैक्ट यहीं पे जिंदगी में पहली बार मिली थी. बैठो, देख लो, यहीं से आपकी पापा मम्मी की लव स्टोरी स्टार्ट हुई है. और आज शायद को मैंने आज यहीं उतार दिया. भाई शायद बैंक जा रही है, शायद मामा आ गए, मामा बहुत खुश है. चलो घर चलते हैं, चलो. मेरे बैंक का काम नहीं हुआ क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, सर्वर डाउन था. तो उन्होंने कहा मैम, मैंने बोला कि मैम रिक्वेस्ट है 3 बजे आ जाएं क्या, मैं अपने भाई को भेज दूंगी. एक्चुअली कैश मुझे निकालना था इसलिए. तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नोन टू है एक तरीके से, वो जानती है हमें कि ठीक है. तो 3 बजे मैं भी भेजूंगी, लेकिन लड़की वाले आ रहे हैं और फहीम के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जिसे मैं भेजूँ. बेचारा उसके रिश्ते के बीच में मेरे को उसे काम बोलना पड़ेगा. चलो मायशा, चले मम्मा और मैं. तो दूध पी रहा, पापा पिला रहे. शेट यार, गलती से गाड़ी लग गई. मायशा की तरह ध्यान था, मायशा बहुत हिल डुल रही थी, फहीम भी देख ले, और गलती से गाड़ी लग गई. हमारा नुकसान तो नहीं कम हुआ है गाड़ी का, बट उसकी लाइट वगैरह टूट गई और खड़ी गाड़ी पे लगी, मतलब रेड लाइट पे हम लोग खड़े थे यार. मेरी गलती थी यार, वो मैं बात कर रहा था, इसी चक्कर में टूटी ना वो. मायशा भी और तेरी तरफ भी ध्यान चला गया, तेरी तरफ भी ध्यान चला गया ना हमारा. मैं कंपन्स, मतलब उनको थोड़ा कंपनसेशन दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, गलती हमारी है, हमारी वजह से किसी की गाड़ी खराब हुई है, तो हम उसको वही दे रहे हैं हर जाना. आयशु क्या करूं फिर मैं? कोई बात नहीं, वेट कर दे. नहीं नहीं नहीं, वेट कर ले, देख लेंगे. मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा यार ये. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ये कि हम सब को ज़्यादा नहीं लगी, किसी को ज़्यादा नहीं, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं. गाड़ी पर ये जो है ना, ये साइड में जो मेरे का जो ये भी मोटा हुआ है ना, ये 1 hour later. अरे बाजी, कितने सारे बच्चे पार्टी यहाँ पे इकट्ठे आने वाली है ना? हाँ. आप खुश हो? हाँ.
चाहिए? हाँ। अच्छा हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो सब? हाय हाय, शिव पापा आ गए। आ जाओ इधर आओ। फूफा ने परसों बुआ से लड़ाई करी थी बेटा, डांट दो। हमारा फूफा ने लड़ाई करी थी बुआ से, आपको पता है? बुआ से लड़ाई करी थी फूफा ने, पता है आपको? आप पहले डांटो फूफा को, पहले फूफा को डांटो आप। नहीं डांटूंगी मैं, क्यों? वही जो लड़की वाले हैं वो घर आ चुके हैं नीचे, मम्मी आपको भी लूंगी, ये देखो। रिसीव करने गए और किस्मत देखो, आज वहीम का वाइब और एग्जाम दोनों है, हमारे दूल्हे साहब घर ही पे नहीं है, बिल्कुल लड़की नहीं आई है। एप्पल गोद ले लो, इन्हें मैं क्या आपको शूट करती हूं। देखो कैमरे में मां बुआ दिख रही है? दिख रही है। वाह बहुत इस साइड वाला पर्दा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर गया। वाओ यहां पे नया सोफा लग गया है, नई मेहमान नया सोफा। सबसे पहले ये साइमा है, फिर उसके बाद जोया है, जारा है, फिर अमायरा है, मीना है। साइमा कहाँ से आ गई? बच्चे पार्टी में लड़कियों में पहले आती है ना। हमारे फहीम जी एग्जाम देके बस आने ही वाले हैं, तो किस्मत देख रहे हो, जिस बेचारे का रिश्ता पक्का हो रहा है, तो कुछ होता है ना ऐसे कि रिश्ता रोकने के लिए नॉल। हम पहले से बात चल रही थी रिश्ते की, मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है। तो पसंद वसंद के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि रिश्ता पक्का करना है। अभी हम लोग रोका के लिए नहीं जा रहे हैं, जिसमें कहते हैं गोद भराई, कुछ लोगों को गोद भराई भी बोला जाता है। तो अभी हम लोग गोद भराई के लिए नहीं जा रहे, हम शायद नेक्स्ट वीक जाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं वो भी दिखाऊंगी कि हाँ भाई मेरी छोटी भाभी आ रही है। तुम नहीं तो कहाँ आ रहे हैं भाई? तेरा ये रिश्ता ठीक है, काम धाम में क्या लगा हुआ है? तू जा, तू जल्दी जा। हाय खुशी, तो चेहरे की लाली ना काली, लाली लाली कुछ नहीं हो रहा है। मेरा भाई दूल्हा होने वाले। खान गाजियाबाद से आया हूँ, चोटलगाबाद यीशु लसन के लड़के फहीम का रिश्ता पक्का। चलो बहुत बढ़िया, सब राजी खुशी है, सब बढ़िया। ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़के के ससुर जी है, वो सासु माए जो पीछे छुपी हुई है। ये दोनों सरहज लगी ना? नहीं, इनकी इसके, हाँ इनकी सलहज, साली निकली तेरे को भी, मेरी भी किस्मत खराब है। टाइम ज्यादा आ गया, हमारा टाइम बहुत हमारा तो सडन होता है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, इतना सडन है। पापा आए देखने के लिए और कर गए, भाई को अपना टाइम
ये तो मीठा हो गया। हाय कितना मजा आ रहा है, जेला जेली जेला जेली मम्मी जेला जला रही है। अरे वाह चावल आया हमारे बेटे। गाइस मुझे बहुत लेट हो गया है, मेरा तो जिम चला जाएगा, 5 बज रहे हैं। सारे गेस्ट अच्छे से चले गए, सब कुछ हो गया, मिठाइयाँ बहुत सारी हुई हैं, बट मुझे उसकी तरफ देखना नहीं है। भाभियों की नज़रें हैं मिठाइयों की तरफ, एक तो कह रही है सब में बटेगा, मैंने कहा चलो फटने दो, अच्छा है घर में नहीं होनी चाहिए मिठाई, ले जाऊँगी, ससुराल भी लेके जाना है। हाँ मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि लेट हो गया, मैं इनके साथ में खा चुकी हूँ और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मायश अपनी मामी के साथ खेल रही है, बड़ी मामी छोटी, बड़ी मामी बहुत संभालती है मायश को, देख कैसे देख रही है, घूर रही है मेरी बेटी। मैम 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 चले, बड़ी खुश होकर जा रही हूँ। अच्छा चलो 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 चलो, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। 1 hour later we are back, आ गए मामू के घर से अपने घर, बड़ी जल्दी आ जा रहे हैं। तो मेरा बच्चा हर 2 सेकंड में भागता है भाई, बहुत भागता है ये लड़का। मुझे लगता नहीं हम लोग जिम जा पाएंगे, तब तक फिर मैं अपनी वीडियोस का काम कर रही हूँ। 7 बज गए हैं, 7 बजे के बाद जाएंगे, तभी 7 बजे के बाद जाएंगे तो टाइम नहीं मिल पाता है जिम के लिए, 8 बजे जिम बंद हो जाता है। आज का जिम गया। हाँ ओके, सो अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो व्लॉग है वो मोस्ट प्रॉबली 1 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास एक व्लॉग है। तो अभी हम लोगों को फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फहीम, टू माय फैमिली, टू मी, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आस। प्लीज़ अब ज़रूर देखना फहीम के व्लॉग्स, उसने भी अपना व्लॉग बनाया है, ऑब्वियसली उसका बनता भी है। तो अब हम उसका रोका करने जाएंगे, यानी अब हम जाएंगे गोद भराई करने लड़की की इस सैटरडे, यानी आपको दूसरा व्लॉग भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग, अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब फॉर मायशा, मायशा की अटकेलियाँ शैतानियाँ देखने के लिए। चलो जी रेड पेन मुझे दे दो, वेरी गुड, बाय बाय।